हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लाए हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जब हम इस फॉर्म में किसी भी डेटा को लिखते हैं तो वो फ्रैक्शन होते हैं। इसे हम कहते हैं 2/7 प्लस 4/7। यहाँ पर जो 2 है वो इस लाइन के ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और इस लाइन के नीचे जो डिजिट लिखा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। अब हमें ये जो फ्रैक्शन है इसमें हमें इन फ्रैक्शन को ऐड करना है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर नीचे भी 7 लिखा है और इस फ्रैक्शन में भी नीचे 7 लिखा हुआ है और इस फ्रैक्शन में भी नीचे 7 लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा फ्रैक्शन है वो लाइक फ्रैक्शन इसे हम बोलते हैं। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसे क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। आज इस समय इस फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग लाइक फ्रैक्शन के एडिशन सीखेंगे। जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम उसे इस तरह से ऐड करते हैं कि यहाँ पर हम सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पर जब डिनोमिनेटर सेम है, 7 है 7 है, तो हम यहाँ पर इस लाइन के नीचे एक ये 7 ही लिख लेंगे और ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। अब हम इसका प्रोसेस होता है वो होता है एलसीएम लेने का। तो जब अगर हम 7 7 और 7 का एलसीएम लेंगे, ये हम आपको करके दिखा देते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए 7 और 7 का एलसीएम क्या आता है। 7 और 7 जब को हम 7 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि ये और किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ये आया यहाँ पे 1 और ये आया 1। अब जो है क्या होगा, इसके हम फैक्टर्स लिख लेंगे। तो एलसीएम इज़ इक्वल टू 7 × 1 × 1 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसका क्या हुआ, एलसीएम 7 लिख लिया है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि 7 को जब 7 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर, जो भी आता है, जैसे 7 से हमने 7 में जब डिवाइड किया उसके बाद जो भी आएगा उसको हम ये ऊपर जो न्यूमरेटर है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले से ये न्यूमरेटर को ये लिख देते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। 7 में 7 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 7 × 7 यहाँ पर 1 लिख देंगे, ये वाला प्लस यहाँ लगा देंगे। 7 में 7 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे ये 4 ऑलरेडी है, 4 को हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 1। अब 2 × 1 = 2 प्लस 4 × 1 = 4/7। अब ये 4 + 2 = 6/7। तो ये 6/7 ही जो है हमारा क्या है, आंसर है। ऐड करने पे 2/7 प्लस 4/7 को ऐड करने पर हमारा आंसर क्या आएगा? 6/7। ये तो हो गया हमारा एडिशन लाइक फ्रैक्शंस का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हो गया 6/7, है ना, ये इसका आंसर हो गया। अब हम जो है दूसरे अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं जो कि जो फ्रैक्शन अनलाइक है, मींस जिसमें जो है डिनोमिनेटर जो है हमारा वो क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम प्रोसेस करते हैं जिसमें कि हम ये इसका एलसीएम और इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया और 6 और 8 का हमने एलसीएम जो है वो निकाला। जो लीस्ट नंबर है यानी कि 2 है तो उससे हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ये आया 3, यहाँ पे आया 4। अब हम कैसे करेंगे, अभी भी हम 2 से करते हैं तो 3 को एज इट इज़ जो है यहीं पे उतार लेंगे और 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को एज इट इज़ लिख लेंगे, 2 से 2 × 1 = 2। अब 3 से फिर से हम वो करेंगे तो 3 × 1 = 3 और ये 1। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, इज इक्वल टू
टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू वन इंटू वन, वन को चाहे नहीं भी लिखेंगे तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आ गया, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, एट थ्री ज़ा 24। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। इस एलसीएम को हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे, ये हमारा आ गया यहाँ पे 24। अब हम इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, फोर टाइम्स, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे जो ये न्यूमरेटर ऊपर लिखा हुआ था उसको हम फाइव को यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब हम यहाँ पे सिक्स फोर ज़ा 24, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोर प्लस एट को, एट से हम 24 में जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, थ्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर जो सेवन यहाँ पर है वो लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई एट थ्री ज़ा 24, तो यहाँ पे हम लिख क्या करेंगे, थ्री लिखेंगे। अब 24 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, फोर फाइव ज़ा 20 प्लस सेवन थ्री ज़ा 21। अब 20 प्लस 21 41 अपॉन 24, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करने पर हमारा आंसर क्या आया, 41 अपॉन 24, ये हमारा 41 अपॉन 24 हमारा ये आंसर आ गया। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी एलसीएम लेने में अगर प्रॉब्लम है तो मेरे इसी चैनल पे मेरा वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें मैंने एलसीएम को निकालना सिखाया है, तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको आप अच्छे से देख लेना, तो आपको फ्रैक्शन ये एलसीएम जो है कैसे निकालते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। Thank you.